हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाएंगे पकौड़ी वाली सब्जी। तो इसे बनाने के लिए एक कैप्सिकम है जिसे मैंने चॉप्ड कर लिया है बिल्कुल चॉपर में बारीक बारीक। एक कैरेट लिया है जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें हम अपनी मनचाही सब्जियां डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कैबेज लिया था, कैबेज का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। और यहाँ पर हम इसमें एक प्याज है जिससे मैंने बिल्कुल चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। आप इसमें अपनी मनचाही सब्जियाँ डाल सकते हैं। और सब्जियों को डालकर हम इसमें डालेंगे चने का आटा। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 चम्मच चने का आटा लूँगी। और इसमें हम सारे बेसिक मसाले अपने डाल देंगे। एक छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर सब कुछ ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से पहले चम्मच से मिला लेंगे, उसके बाद हम इसे अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे और एक टाइट सा डो हम बना लेंगे। आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। और अब ये बिल्कुल बैटर रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। पकौड़ियों को आप अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। मैं इसे पकौड़ियों की शेप में ही बना रही हूँ। और इसकी आप पकौड़ियाँ भी खा सकते हैं, इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसकी सब्जी बनाऊंगी जो कि पूड़ी, नान, पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गेस्ट आएँ तब आप कुछ स्पेशल बनाना चाहें तब इसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती हैं। तो अब हम उलट पुलट कर अपनी पकौड़ियों को तल लेंगे। तो पकौड़ियों का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और निकाल कर साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से मैं अपनी सारी पकौड़ियाँ तैयार कर लूँगी। तो सारी पकौड़ियों को मैंने तल लिया है। तलने के बाद इसे साइड में रख के हम उसी पैन में अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी मैं उसी पैन में बना रही हूँ जिसमें मैंने पकौड़ियाँ तली थी। तो इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच राई दाना, 1 छोटा चम्मच जीरा दाना, कुछ गरम खड़े मसाले और एक प्याज है जिसे मैंने चॉप्ड करके डाल दिया है। और इसे हमें हल्का सा हिलाना है। इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। दोबारा से इसे हमें मिक्स करना है। और अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और जीरा पाउडर। इसे डाल के हमें थोड़ा सा मिक्स करना है। और अब मैं इसमें यहाँ पर अपनी टमाटर प्यूरी हमने बना के डाल दी है और इसे पकाना है। तो अब जब तक कि ये पक नहीं जाता तब तक हम इसे पकाएंगे कि इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाए। तो इसे हिलाते हुए हम कुछ मिनट तक इसे पकाएंगे। और अब यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। 1 से 2 कप आप पानी डाल दीजिए। और पानी डाल के आप थोड़ा सा वेट कीजिए कि इन पे अच्छा सा उबाल आ जाए, ये उबलने लगे। और इसी समय 1 चम्मच दही मैंने इसमें डाल दिया है। दही डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है खटास लाने के लिए। उसके बाद हम इसमें दोबारा 2 कप पानी ऐड कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसमें नमक डाल देना है। नमक डाल के हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। और अब इस ग्रेवी में बहुत सब कुछ हमने डाल दिया है। तो अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। तो अब हमारी ग्रेवी पक चुकी है। तो जो पकौड़ियाँ हमने तली थी वो सारी इसमें डाल देंगे। और पकौड़ियों को डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालकर हम इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे। 1 से 2 मिनट बाद आप इसे उठा के दोबारा से थोड़ा सा चला दीजिए और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दीजिए। तो देखिए बिल्कुल सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारे मसाले अच्छे से लग जाएँ। दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे कवर कर दीजिए।
ताकि सारा तेल अच्छे से ऊपर आ जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे खोल के देख रही हूँ, तो ये सब्जी बनके हमारी तैयार है।